बेटा अभी क्या है कि CUET PG 2023 आपका रिजल्ट आ चुका है, अब रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है ये आप आराम से समझ लीजिए, क्योंकि CUET PG रिजल्ट के बाद क्या करना होता है और CUET UG रिजल्ट के बाद क्या करना होता है, दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। बेटा सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको अपने मार्क्स एनालाइज करने हैं, जो आपके मार्क्स आए हैं आपको देखना है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं तो आप टॉप की यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे, अगर आपके मार्क्स एवरेज या बिलो एवरेज हैं तो आपको लोएस्ट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। पहले से अपना माइंड मेकअप थोड़ा सा करके रखें। उसके बाद बेटा आपको क्या करना होगा, CUET PG के लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर। CUET UG में ऐसा नहीं होता, वो एक ही जगह हो जाता है, लेकिन CUET PG में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाके वहां अपने आप को रजिस्टर करना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका एडमिशन नहीं होगा चाहे आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। तो बेटा आपको क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए, आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर या अपनी नॉलेज के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि भाई ये टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 15 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूं। उन 15 यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट आपके पास पेपर पर रेडी होनी चाहिए, प्लस उनकी वेबसाइट भी साथ साथ लिखी होनी चाहिए। अब आपको रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर जाना होगा और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना काउंसलिंग के लिए अपने मार्क्स के बेसिस पर। उसके बाद बेटा जब आप रजिस्टर कर चुके होंगे हर यूनिवर्सिटी में अपने मार्क्स के बेसिस पर, उसके बाद वहां पर उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वहां से उनकी कट ऑफ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हर वेबसाइट को आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा कट ऑफ के लिए, ध्यान रखिएगा NTA इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। उन्होंने तो बोला बेटा मैंने एग्जाम करा दी बस मेरा काम खत्म हो गया, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना होगा, आपके पास पेपर पर हैंडी एक रेडी होगी लिस्ट, आप हर वेबसाइट पर जाएंगे, अपना टारगेट डालो रोज मुझे इन 15 वेबसाइट्स पर जाना ही जाना है, तो हर वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना है कि उनकी आपके कोर्स के लिए जिस कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं कट ऑफ आ गई या नहीं आई और कितनी आई है। उसके बाद आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपने 15 यूनिवर्सिटी से रैंक बना लिए तो आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में मुझे एडमिशन मिल रहा है तो वहां पर आप एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद फीस पे करके आप क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको वेट नहीं करना कि मैंने CUET पेपर दे दिया मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, अब बस NTA देखे या कॉलेज वाले देखे वो मुझे खुद कॉल करेंगे बुलाएंगे और मैं जाके पढ़ाई शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। CUET PG के बाद आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अलग अलग जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा एकदम। कट ऑफ पर नजर रखिएगा, गूगल बाबा की हेल्प लेते रहिएगा, अदरवाइज आपकी हेल्प के लिए हम यहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।